हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन फॉर द ऑयली स्किन, क्योंकि मैं ऑयली स्किन हूँ एंड ऑल्सो नॉर्मल स्किन वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो एक्ने प्रोन स्किन भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट दी फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फॉर्मिंग क्लेंजर। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दोस्तों, बट दिस प्रोडक्ट इज वर्थ इट, क्योंकि बहुत अच्छे से ये मेकअप को क्लेंस कर देता है, रिमूव कर देता है। तो अगर आपने हैवी मेकअप किया हुआ है तो आप इस तरह का फोमिंग क्लेंजर यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है एंड ऑल्सो ये मूस फॉर्मूला में है, तो मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप ऑयल बेस वाले मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं, लाइक बॉडी शॉप का हो गया एंड माइसेलो वाटर गार्निया का, बट मैं ये वाला भी रेकमेंड करूँगी क्योंकि करेंटली इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम सुपर डुपर ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। बहुत ही डीपली मेकअप को ये रिमूव कर देता है दोस्तों, इनको ये ब्यूटिफुली क्लियर और ब्राइट कर देगा। तो आपको इसे थोड़ा सा अमाउंट लेना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड यू हैव टू गिव थोड़ा सा यू नो मसाज देना है एंड देन यू कैन वॉश इट। तो यहाँ पर मैं वॉश करके आ गई हूँ, आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत सा मेकअप निकल गया है। तो यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगी फेस वॉश जो मैं यूज़ कर रही हूँ व्यायाम आयुर्वेदा का नीम एंड टी ट्री एक्नी केयर फेस वॉश। जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो ऑयली प्लस एक्नी प्रोन स्किन के लिए है एंड ऑल्सो नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। व्यायाम आयुर्वेदा दोस्तों बहुत ही ऑर्गेनिक ब्रांड है, बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं इसके एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं ये वाला जो फेस वॉश है बहुत ही अच्छे से डेड स्किन इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है ना वो ये बहुत ही ईजिली रिमूव कर देता है एंड बहुत ज़्यादा माइल्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। ऑल्सो दोस्तों आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ इन सभी के लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी purple.com में चल रही है सेल, पर्पल लॉन्च पैड फ्रॉम 22nd to 24th मई तक है दोस्तों। अप टू 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा आपको कूपन कोड में। इतने सारे ब्रांड्स में आपको सेल मिल रहे हैं दोस्तों, तो जरूर जरूर चेकआउट करना, बिकॉज सेल टाइम में परचेस करना हमारा ही बेनिफिट है ना। छोटा सा मेकअप भी मेरे फेस पे नहीं है, बट येस वो थोड़ा सा ग्लू चिपका हुआ है आंखों में, जो कि लाइक आप वैसलीन या फिर ऑयल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का एलोवेरा हेलोरॉनिक एसिड एंड स्क्वेलेन हाइड्रेटिंग टोनर। टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रबिंग नहीं कर रहे हैं तो आप टोनिंग कीजिए, उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो आप एवरी डे भी फॉलो कर सकते हैं। आई लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि इसमें एलोवेरा है जो कि आपकी स्किन को सूद करेगा, काम इफेक्ट देगा, और जिसमें हाइलुरोनिक भी है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करेगा। और ये प्रोडक्ट दोस्तों ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वेलेन आपकी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए है एंड नरिश करने के लिए है। एल्प्स गुडनेस दोस्तों अल्कोहल फ्री ब्रांड है, पैराबिन फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टोनर है अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैन कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग वाली फील आती है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल कीप काम एंड एक्सफोलिएट चारकोल शीट मास्क विद चारकोल एक्सट्रैक्ट। अब ये वाला शीट मास्क मैं हाईली सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, इवन सेंसिटिव स्किन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों 100% नेचुरल बैम्बू चाकोल फाइबर से बना है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ टू गुड। वो अप्लाई करने के बाद ना आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन को ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, और इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब सारी आपकी यू नो स्किन केयर रूटीन के लिए परफेक्ट है ये शीट मास्क। आपके पोर्स को अनक्लॉक करने के लिए परफेक्ट है एंड ऑल्सो आपकी स्किन को ये इवन टोन कर देगा एंड एज वेल एज आपके जितने भी डेड स्किन्स होंगे ना उसको भी ये रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करने के बाद ना स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल फील हो रही थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑयली स्किन वाले ही इसे यूज़ कर सकते हैं, एक्नी प्रोन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट येस नॉर्मल एंड सेंसिटिव वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने रखा दोस्तों 15 मिनट तक, अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप को 20 मिनट्स तक रखना। आपको इसे रिंस नहीं करना है, इसको 15 मिनट्स रखने के बाद देन आपको इसे इजिली रिमूव कर देना है। थोड़ी देर आप मसाज दे सकते हैं सो दैट जो सीरम है वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए।
आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू सा पिंपल आ गया है रेड कलर का, बिन बुलाया गेस्ट जो एकदम से आ जाता है फिर एकदम से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं यूज कर रही हूँ डर्माजॉग ऑयल कंट्रोल फेस सीरम, ये विद ग्लाइकोलिक एसिड है। ये सीबम को कंट्रोल करता है और जो स्किन में रेडनेस होती है ना उसको ये कम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 ड्रॉप्स अप्लाई किए हैं चीक्स पे, फोरहेड पे अच्छे से, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर मसाज दूंगी। बहुत अच्छा ये ग्लोई इफेक्ट देता है। डर्माडॉग का सीरम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है एंड नेचुरल प्रोडक्ट होता है, काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है ये सीरम, ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लो देता है। सो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट फॉर ऑल दी स्किन टाइप। तो मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मैं सीरम अप्लाई करती हूँ तो मैं 5 मिनट तक मसाज देती रहती हूँ ताकि जो सीरम है वो मेरी स्किन में ईजिली अब्जॉर्ब हो जाए। तो और इस तरह से क्या होता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लो बरकरार रहता है। और ये मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ड्राई स्किन है तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्माजॉग ऑयल कंट्रोल डे क्रीम विद SPF 15। नरिशमेंट को बैलेंस रखेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एंड यस ब्यूटीफुल विद इन ग्लो देगा। ये वाली क्रीम से अभी मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। नॉर्मली डेली वेयर के लिए भी मैं इस क्रीम को यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है दोस्तों। तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी आप डेफिनेटली इस क्रीम पे इन्वेस्ट कीजिए। ये सूटेबल है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है इसे और आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा किया बिकॉज मुझे ग्लोई इफेक्ट ज़्यादा पसंद आता है। तो आप उस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं या जिस तरह से भी आपको अप्लाई करना पसंद है उस वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है दोस्तों। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको अपवर्ड मोशन में ही मसाज देना है अपने फेस पे। छोटा सा स्किन केयर रूटीन है विच इज़ अ वे टू यूजफुल एंड वे टू परफेक्ट। डे टाइम में फॉलो कर सकते हैं ये स्किन केयर। आई होप दोस्तों आपको आज की ये छोटी सी स्किन केयर वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, लव यू।